बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। माइक्रोवेव ओवन को हम अपनी खुराक गर्म करने, खुराक को पकाने और बहुत सी चीज़ों को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन का फ़ायदे होने के बावजूद भी इस पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? क्या माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है? क्या माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली रेडिएशन कैंसर का बाइस बन सकती हैं? तो चले नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद है या नहीं। सबसे पहले जापान, चाइना, इटली, जनूबी कोरिया की गवर्नमेंट ने अपने मुल्कों में माइक्रोवेव ओवन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी है। सबसे पहले जापान के शहर हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने तहकीक की है कि पिछले 20 बरों से माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली रेडिएशन, जो कि इनविजिबल होती हैं, वो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैंसर का बाइस बन सकती हैं। माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग होती है और इनका स्पेक्ट्रम भी चेंज नहीं किया जा सकता, और ये रेडिएशन इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और आने वाली ज़िंदगी में भी माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल तर्क किया जा रहा है। और साइंसदानों ने यह भी तहकीक की है कि ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये रेडिएशन उन अमेरिकी एटम बम्बों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे 1945 में। उनसे निकलने वाली रेडिएशन इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। आज भी जापान में लोग लूले, लंगड़े और कैंसर जैसी बीमारियों में मुबतला हैं। तो माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली रेडिएशन इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। जापान ने अपने मुल्कों में तमाम माइक्रोवेव ओवन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि दूसरी तरफ चाइना की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि माइक्रोवेव ओवन बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियाँ सन 2023 तक तरसल कर दी जाएंगी। जनूबी कोरिया ने भी सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, उन्होंने भी ऐलान किया है कि माइक्रोवेव ओवन बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाई जाएगी और सन 2022 तक तमाम फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद कर दी जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।